जनता के बीच में अभी 2001 से लेके आज 2020 सालों का मेरा संबंध है, तो ये संबंध राजनीतिक संबंध नहीं, ये पारिवारिक संबंध, प्यार का संबंध है। तो इसीलिए जनता मुझसे जुड़ी हुई सीधी तौर पर कैसा क्या बात सही है बात बोला नहीं तीन बार से जो है ना हरियर है बेचारी इस बार क्या करेगी इस बार कैसा कैसा नेता चुन रहे हैं कैसे लोग चुन रहे हैं हम लोग किसी को चुन रहे हैं वोट दीजिएगा सही में। अच्छा बताइए आप कैसा कैसा नेता चाहिए आपको क्षेत्र का नेता बढ़िया है लोकल बेटी होगा यहाँ की बेटी है यानी बेटी का दर्जा देंगे सम्मान भी देंगे आप बिल्कुल देंगे आप जी हाँ निश्चित तौर पे इसलिए कि हमारे दुख सुख में हमेशा ये लोग खड़ा होता है और नेता हम लोगों को क्या खाने के लिए थोड़ा चाहिए नेता ऐसा चाहिए जो विकास पुरुष हो जो लोगों के दुख सुख में काम आए जनता से कैसे समर्थन मिल रहा है क्या लग रहा है जनता का समर्थन बहुत अच्छा समर्थन है जनता के ही बल पर ईश्वर प्रवीण की पहचान है 40,000-45,000 जनता मेरे साथ 2010 में भी मुझे 45,000 वोट प्राप्त हुए थे 40,000 वोट मुझे 2015 में भी प्राप्त हुए थे तो जनता का समर्थन है तभी ईश्वर प्रवीण है ईश्वर प्रवीण की पहचान जनता है और जनता का समर्थन बहुत ही बड़े पैमाने पर मुझे मिल रहा है इसके चलते आप देख रहे हैं कि अभी एक अफवाह मुझे रोकने के लिए आंधी को रोकने के लिए एक अफवाह फैलाया जा रहा है गांव घर में कि ईश्वर प्रवीण को वोट दोगे तो भाजपा में भाग जाएगा ये अफवाह प्रोपागंडा लोग लेके आ रहे हैं इसलिए कि वो विचलित हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि पूरी फिजा ईश्वर प्रवीण के फेवर में है टेम्पू छाप के फेवर में है बताइए कैसा काफी पिछड़ा है जो देख रहे हैं जो तस्वीरें बता रही है या बाढ़ हो अपात हो जितना भी समस्या हो बगल की है हमारा लोकल नेता है लोकल उम्मीदवार है कोई चाहे हिंदू है या मुसलमान हो जो भी जिस समाज से इसको खबर जाता है इसके पास जाता है ये इनके पति यदि ये रहती है तो ये या इनके पति रहते हैं तो वो हर समय तुरंत हाजिर हो के चाहे थाना का मामला हो वीडियो के यहाँ जाना हो डीएम के यहाँ जाना हो जो समस्या उस समस्या में ये साथ रहती है इसलिए हम लोग इसको अपना मत देंगे भरोसा कितना भरोसा कौन से ज़्यादा भरोसा है परवीन हमारा लोकल नेता है अपना घर का नेता है आपके गांव से लोकल बेटी खड़ी हुई है चुनाव के मैदान में कितना भरोसा करेंगे बहुत अच्छा बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं और नमस्कार मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं कलंसल टाइम्स बिहार में सत्ता का संग्राम चल रहा है यानी सियासी बयानों से लेकर के तमाम वादे मतदाताओं से कह रहे हैं यानी जनता की जो भी बातें हैं तमाम हर चुनावों में चुनावी वादों में जनता के बीच अपने वादों को लेकर के बीच उतरते हैं और फिर वो 5 साल उस वादों को कोई भी पूरा न किए हुए फिर चुनाव के मैदान में हमारे बीच एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो कटिहार के प्राणपुर विधानसभा है उनका एक अपना लक्ष्य है कि हर एक मतदाता प्राणपुर के भाग मतदाता है क्या सोच करके इस लक्ष्य को रखा है इसलिए रखा है क्योंकि मतदाता ही भाग्य विधाता होते हैं किसी भी नेता को बनाने का भूमिका जनता को ही होता है और ये प्राणपुर विधानसभा में आज़ादी के 73-74 साल भी अभी भी रोड और पुलों के बारे में लोग बात कर रहे हैं जबकि आज़ादी के 74-73 साल
बात, अभी हम अच्छी स्वास्थ्य सुविधा की बात करनी चाहिए थी, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की बात करनी चाहिए थी, किसानों के आय में कैसी वृद्धि हो उसकी बात करनी चाहिए थी। लेकिन अभी भी मूलभूत समस्याओं से यहाँ के प्राणपुर के विधानसभा के जो लोग हैं वो मूलभूत समस्याओं से अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं। तो इसलिए ये स्लोगन कि प्राणपुर की जनता भाग्य अपील पत्र में ये भी लिखा है कि जितनी जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसका मायने क्या है? मायने ये है कि ये जो हमारा प्राणपुर विधानसभा 73-74 साल देश की आज़ादी के बाद यहाँ पर जो भी टिकट बंटवारे होते हैं, जो भी उम्मीदवार को पार्टी कोई भी पार्टी का टिकट जो मिलता है वो बाहरी नेताओं को अवसर देते हैं। तो ये हमारा ये कहना है कि प्रांतों में 3,05,000 वोटर हैं, 3,05,000 में क्या एक व्यक्ति भी सक्षम नहीं है टिकट की हिस्सेदारी में? तो इसलिए जितनी जिसकी आबादी उतनी उसकी भागीदारी। किस मुद्दे को लेकर चुनाव में खड़े हैं? एक मुद्दे पर किसी तमाम राजनीतिक पार्टियों, नेशनल पार्टियों, तमाम गठबंधन के लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, वैसे में आप अपनी किस हैसियत पर तैयार हैं? देखिए, मैं जो जनता के बीच आई हूँ एक ही मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, कैसे अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था प्राप्त हो प्रांतीय विधानसभा के जनता को, कैसे अच्छी सड़क और कैसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था की बात हो, और सबसे महत्वपूर्ण किसानों की आय की बात तो बोला जाता है कि दुगना आय करेंगे, लेकिन उसके लिए व्यवस्था जो है नगर निगम की। आप ये बताइए कि ये इलाका बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, हर साल बाढ़ आता है, किसानों की फसल बर्बाद होती है, और क्षतिपूर्ति के नाम पर उनको धान की फसल के टाइम में अगर क्षति होती है तो जो धान का फसल जिस वक्त लगाएंगे तो दूसरा फसल जैसे गेहूँ का फसल लगाएंगे, धान की फसल बर्बाद होगी, तो गेहूँ की फसल के टाइम में उसको क्षतिपूर्ति सह समय उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो दूसरे साल धान के समय में उसको उपलब्ध होता है, वो किसान कैसे खराब होगा, वो किसान कैसे दूसरी खेती कर पाएगा? तो उसकी राहत के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होता है, उनको सीधे तौर पर उसी तरह का राहत नहीं मिलता। और दूसरी बात कि ये इलाका कृषि प्रधान है, 80-85% लोग किसान और कृषि पर आधारित है। तो आप बताइए, क्षेत्र रेलवे के क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इस इलाके में कहीं एक भी जो रेलवे का रेक पॉइंट होता है वो नहीं बना, क्यों नहीं बना? 73 सालों बाद रेक पॉइंट बनना चाहिए था। अगर किसानों की आय को बढ़ाने की बात अगर होती है तो रेक पॉइंट अगर बनता तो किसान अपने फसलों को सीधे तौर पर वहाँ पर व्यापारी को बीच में बिचौलिए नहीं होते, सीधे तौर पर बेच पाते और उनको जो सही दाम और उनका जो है सही मूल्य लग पाता और उसको उसका फायदा मिलता। तो मेरा यही उद्देश्य कि हम इस इलाके के लोगों को जो 73 सालों से उनको बरगलाया गया या उनको एक तरह से भ्रमित करके उनके वोटों का इस्तेमाल हुआ, मैं सभी जनता मेरे साथ है, मेरी जनता मेरे साथ है, उसी के बल पर मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ रही हूँ। दो बार सेकेंड रही चुनाव में, एक छोटी सी पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी में होती थी, एनसीपी से मैं लड़ी थी और दो बार सेकेंड रही थी, लेकिन इस बार निर्दलीय इसलिए लड़ी हूँ, जनता का की ये मांग थी कि आप निर्दलीय लड़े, इसलिए मैं निर्दलीय लड़ रही हूँ। और मेरा लक्ष्य कि जो जनता को ये भी पता चलना चाहिए कि एक विधायक क्या क्या काम कर सकता है, जनता को कहाँ तक लाभ पहुँचा सकता है। यहाँ के लोगों ने अभी तक सिर्फ जाति धर्म पार्टी के नाम पर बट करके लोगों को नेता बनाने का काम किया, लेकिन इस बार हम लोगों के बीच जुड़ रहे हैं, लोगों का भी ये कहना है कि वो एक ऐसा नेता चाहते हैं जो जनता से जुड़ के जनता को। अभी तक वर्तमान जो बिहार की जो सियासत है वो विकास बनाम रोजगार को लेकर के तमाम पार्टियां, तमाम गठबंधन के नेता रोजगार को लेकर के बात करते हैं, आप अपने मुद्दे में इस रोजगार को लेकर निश्चित तौर पर रोजगार, जब आप विकास करेंगे तभी रोजगार होगा। आप ये बताइए, किसी गांव में सड़क नहीं है, वहाँ के युवा अगर बेरोजगार है, अगर उस गांव में सड़क बन जाए तो वहाँ चौक चौराहे पे लोग अपना दुकान खोलेंगे, अपना ऑटो रिक्शा चलाएंगे, जो 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 गाड़ियाँ हैं वो चलने लगेगी, तो लोगों के जो है लोग रोजगार से जुड़ने लगेंगे। तो रोजगार से जुड़ने के लिए विकास भी बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, यहाँ पर बहुत सारे नेता यहाँ के MLA रहे, मंत्री रहे, लेकिन कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन रोजगार
ये आपका कहना और ये सवाल करना निश्चित तौर पर ज़रूरी है और ये सवाल वाजिब भी है कि रोज़गार के अवसर सरकार के द्वारा युवाओं को नहीं दिए जा रहे। बेरोजगार युवा अभी घूम रहे हैं अच्छी अच्छी डिग्रियाँ लेकर के, उनके पास कोई चारा नहीं है तो कोई छोटा सा दुकान कर ले रहे हैं या कोई व्यापार शुरू कर ले रहे हैं या नहीं कुछ है तो घर पे बैठे हैं अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं। ये निश्चित तौर पर ये बिहार के पूरे हर एक क्षेत्र के लिए, पूरे बिहार का ये बहुत बड़ा मुद्दा है और सबसे बड़ा मुद्दा ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन का है। रोजगार के अवसर नहीं है, कैबिनेट मंत्री रहे विधायक रहे, अगर वो चाहते तो ऐसा नहीं है कि रोज़गार सिर्फ बहुत बड़ी पॉलिसी बना देने से रोज़गार अवेलेबल होता है। अगर यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगती या यहाँ पर और चीज़ों का यहाँ पर अगर बनाया जाता, फैक्ट्रियाँ लगती तो रोज़गार भी मिलता। तो ये सब काम जो है पुराने जो पिछले विधायक रहे उन लोगों के द्वारा नहीं हुआ हो पाया। मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस इलाके में एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है, एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं। आप रामपुर ब्लॉक को ले लीजिए या आजमनगर ब्लॉक, ये दो ब्लॉक का ये 40 विधानसभा क्यों नहीं है? किसान अपनी जो अनाज है उनको सुरक्षित कैसे रखें, कैसे रोजगार के अवसर मिले? तो मेरा बस यही कहना है कि रोजगार का अवसर तभी बनेगा जब आप विकास करेंगे और फैक्ट्रियाँ लगाएंगे और जो है रोडों और सबको का जाल बिछेगा। आप ये NH देख रहे हैं 81 है, ये बंगाल को जोड़ता है, अभी भी बीच में लाभा के पास वहाँ पर समस्या है। अगर बारिश हो जाए तो रोड पर गाड़ी चलना मुश्किल है, 10-5 फीट 6 फीट पानी लगा हुआ है, अभी भी इसका निवारण नहीं हो पाया। दूसरी बात कि बारसोई अनुमंडल जो उस पूर्वी क्षेत्र की बात करें वहाँ पर आज़ादी के 73 साल बाद भी एक भी NH सड़क नहीं है, क्यों नहीं है? आबादी बढ़ी, सड़कों पर गाड़ियों का संख्या अनुमंडल को 81 हो 31 हो NH से तो जुड़वाना चाहिए, लेकिन अब तक वो सब काम नहीं हुआ। तो मेरा उद्देश्य कि जो लोगों को बड़गला करके उनको वोटों को लिया गया और कोई एक लक्ष्य नहीं बनाया गया उस इलाके के विकास के लिए, मैं अपने लक्ष्य के साथ उस इलाके के विकास के लिए आगे बढ़ूंगी और सबको साथ ले हर जाति धर्मों को साथ ले। जनता के सवाल आप सदैव जीत के जाते हैं, आपका वेटेड मिलता है इस प्रांत में विधानसभा के लिए, क्या सौगात के रूप में आते हैं? ये सौगात मैंने जैसा कहा कि सरकार मुझे लगता है गठबंधन की महागठबंधन की बनी की जैसे हम लोग तो सामाजिक विचारधारा को मानने वाले लोग, जब भी जाएंगे महागठबंधन की सरकार बनेंगे निश्चित तौर पर हम लोग उसी के अंग होंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। तो ये प्रत्याशी के रूप में मैं जीतूंगी क्योंकि मेरे साथ मैं पार्टी में थी, मुझे टिकट नहीं दिया गया, मैं बागी वो पेला रही हूँ, लेकिन विचारधारा तो वही सामाजिक विचारधारा, तो सामाजिक विचारधारा से अलग तो मैं नहीं हूँ। इसलिए मैं जीत के अगर जाती हूँ तो इसी गठबंधन और तेजस्वी लालू यादव के साथ, इसी यादव के साथ गठबंधन को सहारा दूंगी। और निश्चित तौर पर मैं चाहूँगी कि इस इलाके के विकास के लिए जो मेरा लक्ष्य है कि जो रेलवे का रेक पॉइंट खुलवाना, उस अनुमंडल को NH सर्वे करवा के NH से जुड़वाना और इस इलाके के जो किसान हैं जिनको ससमय जो क्षति होती है उसकी जो है उपलब्ध नहीं होता है क्षतिपूर्ति ससमय उसको उपलब्ध करवाना। और सरकार नीतीश कुमार की सरकार पर 15 सालों से जुमलेबाजी और बयानबाजी करके लोगों के वोटों को लिया। आप बताइए कि बाढ़ राहत के नाम पर हर साल करोड़ों अरबों रुपए का जो है लोग उसको बंदरबाट करते हैं, लेकिन आप बताइए कि वो ज़मीन तक कहाँ तक उतर पाता है। और जहाँ तक जब कोसी में बाढ़ आया था नीतीश कुमार जी ने कहा था कि इस बाढ़ से निजात दिलाने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है और वो उठाने का उन्होंने वादा भी किया था, लेकिन जसकता से क्या ठोस कदम उठा, क्या बाढ़ रुक पाया, क्या सीमांचल के लोग बाढ़ से निजात पा पाए हैं? इन सब बातों को लेकर हम लोग जनता से जुड़ रहे हैं। हमारा बस एक ही उद्देश्य है, जनता के साथ जो अन्याय हुआ इतने दिनों से जो उनको बड़गला करके उनको वोटों का इस्तेमाल करने का काम किया, मैं एक लक्ष्य के साथ उनके विकास के लिए उनकी समस्याओं को
दूर करने के लिए मैं लूँगी, और अगर जो अवसर मिलता है तो उनकी बातों को, उनकी समस्याओं को पुरजोर तरीके से विधानसभा में उठा। तो आपने देखा कि लगातार यहाँ के मंत्री और विधायक दोनों रहे हैं, और इस यहाँ लक्ष्यविहीन रहा है इस क्षेत्र, और तमाम चीज़ें, समस्याएं जो चीज़ें दिखाई गई है बाहर से लेकर के रोजगार, तमाम शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, तमाम चीज़ें जो है वो बदहाल की स्थिति में है। ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी अपना एक मात्र लक्ष्य विकास को लेकर के खड़ी है। अब ये देखना होगा इस प्रांत विधानसभा का सियासत का सिंहासन किसके पास होगा।